हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। ये है कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश के ऊपर। कुछ वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग बात किए कि कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, एंड हम लोग चर्चा किए कि कंसीडरेशन अदर देन कैश में कितने तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रमोटर क्या होता है, अंडरराइटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 26। इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ कृष्णा ट्रेडर लिमिटेड। मैंने कल आपको बताया था कि कंपनी जो है एक दूसरे कंपनी के बिजनेस को भी खरीद लेता है। तो राघव जो है ये बिजनेस खरीद रहा है, कृष्णा किसका खरीद रहा है, कृष्णा ट्रेडर का खरीद रहा है। अब ये बताओ कृष्णा ट्रेडर के पास कुछ एसेट्स होगा, कुछ लाइबिलिटीज होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर, जरूर होगा। तो वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का भी एंट्री पास करना है। अच्छा, ये जो डील हुआ है फॉर द सम ऑफ 15 लाख रुपीज, है ना, ये जो डील हुआ है कितने में हुआ है, 15 लाख रुपीज में डील हुआ। मतलब कि राघव लिमिटेड जो है 15 लाख रुपए में बिजनेस खरीद रहा है, पेएबल। और ये 15 लाख रुपया किस तरीके से पेमेंट करेगा, ये भी तो बात है ना। 15 लाख रुपया पे करना ठीक है, 15 लाख का कैश देगा कि 15 लाख का शेयर देगा, क्या देगा, ये आपको देखना। तो पेएबल 3 लाख बाई चेक एंड फॉर द बैलेंस इट इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी दो तरीके से पैसा दे रही है। 15 लाख रुपए में पहला 3 लाख रुपया चेक के थ्रू दे रहा है, चेक के थ्रू यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, ठीक है, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है। और बाकी का जो अमाउंट बच रहा है 12 लाख रुपया, ये जो बाकी का अमाउंट बचा 12 लाख रुपया, देखिए फॉर द बैलेंस इट इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बाकी के लिए कंपनी जो है 100 रुपए का शेयर 120 रुपया में दे रहा है, क्योंकि 20% का प्रीमियम है, तो टोटल कितना हो गया 120 रुपया। इस तरीके से कंपनसेशन दिया जा रहा है, क्लियर है, पेमेंट किस प्रकार से हो रहा आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंसिस्टेड द फॉलोइंग, है ना। के लिमिटेड, कृष्णा ट्रेडर लिमिटेड का क्या क्या था? तो सर प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का, बिल्डिंग 6 लाख का, स्टॉक 5 लाख, डेटर 3 लाख और क्रेडिटर 2 लाख। अब देखिए ये जो क्रेडिटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे बाकी के सारे आइटम जो है वो एसेट्स हैं, मगर ये जो क्रेडिटर है वो क्या आपके लिए है, लाइबिलिटी। कहने का मतलब कृष्णा ट्रेडर के पास एसेट्स भी था और लाइबिलिटी था। तो कृष्णा ट्रेडर पूरा बेच दिया, कितने में बेच दिया आपका, 15 लाख रुपए में बेच दिया। अब ये बताओ कि क्या चीज कितने का था, थोड़ा एक बार आपको अलग से लिखना पड़ेगा, 4 लाख, 6, एक बार अलग से जोड़ देते हैं, 5 और 3, ये चारों एसेट्स था। नाम भी लिख दिया जाए भाई, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर, ये 4 चीज था। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, सर टोटल हो जाएगा 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18 लाख रुपया, कितना हो गया 18 लाख रुपया। अब देखिए कि क्रेडिटर कितने का है, अब ये बताओ क्रेडिटर कितने का है, तो सर क्रेडिटर है 2 लाख रुपए का, कितने का है क्रेडिटर, 2 लाख रुपए का, ठीक है।
माइनस करेंगे क्रेडिटर। सर माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबू एसेट्स भी खरीद रहे हैं और लाइबिलिटी भी खरीद रहे हैं, तो लाइबिलिटी में वैल्यू रिड्यूस होगा ना, तो क्रेडिटर कितने का है? 2 लाख रुपए का। तो फाइनली कितने का परचेस कंसिडरेशन होना चाहिए? 13 लाख रुपए का। बात समझ में आ रहा है? कृष्णा लिमिटेड के पास, कृष्णा लिमिटेड के पास टोटल 18 लाख का एसेट था, जिसमें कि 2 लाख का लाइबिलिटी दिया है, तो टोटल कितने का डील होना चाहिए था? 16 लाख का, है ना। आप देखिए क्वेश्चन पूरा कनेक्ट करो, अलग अलग पार्ट में। आर जो है वो खरीद रहा है, आर लिमिटेड जो है वो खरीद रहा है के लिमिटेड के बिजनेस को। के लिमिटेड यानी कि कृष्णा लिमिटेड के बिजनेस की बात करें तो टोटल एसेट्स है 18 लाख का और लाइबिलिटी है 2 लाख का, तो फाइनल वैल्यू कितना हुआ? 16 लाख रुपया। तो भाई 16 लाख रुपया मिलना चाहिए था ना के लिमिटेड को, कितना मिलना चाहिए था? 16 लाख रुपया। मगर बेचारे को मिला कितना है? बेचारे को मिला है 15 लाख रुपया ही मिला है। तो 1 लाख रुपया जो कम मिला है के लिए तो नुकसान है, मगर आर के लिए क्या है? फायदा है। आर लिमिटेड के लिए, राघव लिमिटेड के लिए ये अमाउंट जो है वो बेनिफिट है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझा रहे हैं, आप समझिए इस बात को। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने क्या किया कि सबसे पहले पता किया कि के लिमिटेड कितने में बिक रहा है। तो सर पता चला के लिमिटेड 15 लाख रुपए में बिक रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के लिमिटेड को का टोटल एसेट जोड़े तो 18 लाख, जिसमें से लाइबिलिटी जब माइनस किए तो टोटल वैल्यू आया 16 लाख रुपए। तो कहने का मतलब के लिमिटेड का एक्चुअल वैल्यू था 16 लाख, मगर इसको मात्र 15 लाख रुपया ही मिला है। तो 1 लाख रुपया जो कम मिल रहा है के लिमिटेड के लिए तो लॉस हो गया, मगर आर लिमिटेड के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, क्योंकि उसको आर को देना चाहिए था 16 लाख, मगर दिया है ये 15 लाख। तो हम लोग अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं ये बताइए, के का कर रहे हैं कि आर का कर रहे हैं? तो बाबू जो बिजनेस खरीद रहा उसका अकाउंटिंग हो रहा है, यानी कि आर का एंट्री कर रहे हैं। तो आर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हम लोग करेंगे। अब ये बताओ आर लिमिटेड जो जो अब एंट्री क्या करेंगे? आपको पूरा क्लियर हो गया कि कंपनी खरीद रही है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, और कंपनी के पास है ना, कंपनी के पास कुछ एसेट्स भी आ रहा है और कुछ लाइबिलिटीज भी आ रहा है। कंपनी 15 लाख रुपया पेमेंट करने का वादा कर रहा है, और कंपनी कुछ इस तरीके से पेमेंट करेगा, 3 लाख रुपया चेक के थ्रू और 12 लाख रुपया शेयर के थ्रू, जिसमें कि 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपया के प्रीमियम के हिसाब से 120 रुपए में वो दे रहा है। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो देखिए सबसे पहला जर्नल एंट्री होगा बच्चों, आप जो एसेट्स खरीद रहे हैं उसका एंट्री पास करेंगे, आप जो एसेट्स खरीद रहे हैं उसका एंट्री पास करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है तो डेबिट में लिखेंगे, बिल्डिंग एसेट्स है तो डेबिट में लिखेंगे, और स्टॉक एसेट्स है डेबिट में जाएगा, और डेटर भी कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, डेटर अकाउंट डीआर और मशीनरी अकाउंट डीआर, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख और 3 लाख। और जो लाइबिलिटी खरीद रहे हो उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटी कितने का खरीद रहे हो? तो टू क्रेडिटर, क्रेडिटर है ना, लाइबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितने का खरीद रहे हो? तो 2 लाख रुपए का। तो ये 2 लाख रुपया लिखें। अच्छा ये बताइए परचेस कंसिडरेशन कितने का? एंट्री थोड़ा समझना, ये पहला एंट्री है आपके लिए, नया है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो एसेट्स खरीदे उसको डेबिट में लिखें, जो लाइबिलिटी खरीदे उसको क्रेडिट में लिखें, क्योंकि एसेट्स डेबिट में जाता है, लाइबिलिटी क्रेडिट में जाता है। ठीक है, अब परचेस कंसिडरेशन कितना है? तो सर परचेस कंसिडरेशन है 15 लाख रुपया। परचेस कंसिडरेशन मतलब क्या कि जो कंपनी खरीद रहा वो कितना देने का वादा कर रहा है? तो सर 15 लाख रुपया देने का वादा कर रहा है। तो 15 लाख रुपया के लिए जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। किसको खरीद रहे हैं? तो कृष्णा लिमिटेड को खरीद रहे हैं, तो कृष्णा लिमिटेड, और हम इसको बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे? परचेस कंसिडरेशन।
परचेज कंसिडरेशन मतलब कितने में खरीदा, कितने में खरीदा, 15 लाख रुपए में, तो 15 लाख रुपया ये लिख दिए। और लास्ट में आप देख रहे हो कि के लिमिटेड का एक्चुअल वैल्यू था 16 लाख रुपया, था कि नहीं कैलकुलेट किए थे, मगर मात्र इसको 15 लाख रुपया मिल रहा है, 1 लाख रुपया कम मिल रहा है, तो पी लिमिट राघव लिमिटेड को जो खरीद रहा है इसको हो गया प्रॉफिट, इसको क्या हो गया प्रॉफिट, हुआ कि नहीं प्रॉफिट, यस सर, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए का। तो ये 1 लाख रुपया आर लिमिटेड के लिए प्रॉफिट है, और जो भी प्रॉफिट होता है आपको याद होगा जो भी प्रॉफिट होता है उसको कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। सर ये तो समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए का और इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, तो लिखेंगे कैपिटल रिजर्व के नाम पे। क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व के नाम पे। आपको याद होगा जब हम थ्योरी का सेक्शन बताए थे आपको, तो वहां पे बताए थे कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, दो तरीके का रिजर्व बताए थे आपको, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व में आपको बताए थे कि अगर कोई कंपनी एसेट्स खरीदने और बेचने में कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, है ना। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, वो रिजर्व जो एसेट्स और लायबिलिटी खरीदने और बेचने में जो फायदा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो अगर अगर कंपनी को आर, हम लोग अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं, आर का कर रहे हैं, ठीक है, आर का कर रहे हैं, तो आर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर को हो रहा है फायदा, कितने का फायदा हो रहा है, 1 लाख रुपए का। और क्यों फायदा हो रहा है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी खरीदने में फायदा हो रहा है, तो कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी खरीदने में फायदा होता है तो वो कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम लोग यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया। अब आप मैच करिए, आपका ये मैच हो जाएगा, चलो मैच करके देखते हैं, 6, 4, 10, 5, 15, 18 लाख रुपया, ये कितना है, 18 लाख रुपया, और इधर भी 15, 1, 16, 2, 18 लाख रुपया, तो डेबिट और क्रेडिट आपका मैच हो गया। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग कृष्णा लिमिटेड परचेस्ड, कृष्णा लिमिटेड परचेज, ये तो परचेज हुआ बच्चों, ये अभी हम लोग क्या किए, परचेज किए, अब पेमेंट भी तो करेंगे, पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब बताइए कृष्णा लिमिटेड को कितना पे करना, सेकेंड एंट्री, सर कृष्णा लिमिटेड को 15 लाख रुपया पे करना है, 3 लाख रुपया चेक से दे रहा है और 12 लाख रुपए का शेयर दे रहा है, तो दोनों अलग अलग लिखेंगे, पहले कृष्णा लिमिटेड को चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक, और किसको दे रहे हैं, कृष्णा लिमिटेड को, तो कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डीआर, कितने का अमाउंट दे रहे हैं, तो 3 लाख रुपया, तो 3 लाख इधर और 3 लाख क्रेडिट में, बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है, ये अमाउंट आपका हो गया सेकेंड, सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री में आप देखिए, थर्ड एंट्री में थोड़ा आप देखिए यहां पर, तो तुमको दिख रहा है कि 15 लाख रुपया में तो 3 लाख रुपया तो दे दिए चेक से, तो बचा कितना, 12 लाख रुपया, और ये 12 लाख रुपया देने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, और वो भी 100 रुपए का शेयर, कितने में दे रहे हैं, 20 रुपया प्रीमियम पे, यानी कि कितने में, 120 रुपए में दे रहे हैं, है कि नहीं। तो हम आपको बताए थे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो 12 लाख रुपया पे करना है और हर शेयर का वैल्यू कितना जोड़े हैं, 120, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 शेयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 शेयर, बात समझ में आ रहा है, यानी कि कितना शेयर्स दिया जा रहा है, 1000 शेयर दिया जा रहा है, ये कैलकुलेट कर लिए। अब इसका एंट्री पास करते हैं, तो एंट्री होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कृष्णा लिमिटेड को दे रहे हैं, तो कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डीआर कितना देना है, टोटल 12 लाख रुपया, 12 लाख का हिसाब किताब कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं ना, तो अगर चेक देते हैं तो बैंक लिखते हैं, चेक देते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं, मगर यहाँ चेक नहीं दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं,
लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी हम लोग कैलकुलेट किए नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर है 1000, नंबर ऑफ शेयर 1000, और हर शेयर का दाम कितना है 100 रुपया, और ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसको लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, 1000 × 20 रुपया। तो फाइनली 1000 × 100 करेंगे, सॉरी 10000 होगा, 10000 होगा बच्चों, 10000 होगा ये। तो 10000 × 100 करेंगे तो 10 लाख रुपया हो जाएगा, और 10000 × 20 करेंगे तो 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से शेयर का भी पेमेंट हो गया, और एंट्री क्या करेंगे, बीइंग शेयर ट्रांसफर्ड फॉर बीइंग शेयर, ओ माय गॉड ये क्या आ गया, चलो बीइंग शेयर ट्रांसफर्ड टू, कौन था, कृष्णा है ना, कृष्णा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड, बस ये एंट्री हो गया। अब एक बार, इससे ज्यादा एंट्री नहीं होगा। अब क्या करते हैं, एक बार आपको समराइज कर देते हैं पूरा स्टोरी को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको एंट्री पास करना है, जो आप खरीद रहे हो उसका एंट्री पास करना है। इसका एंट्री क्या होगा, एसेट्स खरीद रहे हो तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और लाइबिलिटी खरीद रहे हो तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, डेटर अकाउंट डीआर, कौन से एसेट्स को कितने में खरीदे ये क्वेश्चन में आपको दे देगा, इसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। और क्रेडिटर अकाउंट डीआर, क्रेडिटर को क्रेडिट में लिखेंगे, और आपको पता है कि परचेस कंसिडरेशन कितना है वो भी इसी समय लिख देंगे। तो परचेस कंसिडरेशन कितना है सर, 15 लाख रुपया। तो आप देखें 18 लाख रुपए का एसेट्स है, 2 लाख रुपए का लाइबिलिटी, तो टोटल बचा 16। 16 के बदले 15 दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपया क्या है, फायदा है। और इस फायदा को हम लोग कहां लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व में। कहां लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व में, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, हम लोग कृष्णा लिमिटेड को शेयर 15 लाख रुपया देना है, जिसमें कि 3 लाख रुपया चेक दे रहे हैं और 12 लाख रुपया शेयर के थ्रू दे रहे हैं। तो 3 लाख का जो चेक दे रहे हैं उसके लिए लिखेंगे कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डीआर 3 लाख, टू बैंक 3 लाख। सिंपल सा है, चेक का पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक। मगर 12 लाख रुपया जो हम चेक शेयर दे रहे हैं उसके लिए थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12 लाख रुपया हम क्या दे रहे हैं, शेयर। 12 लाख रुपया के बदले क्या दे रहे हैं, शेयर। हर शेयर का दाम है 100 रुपया, मगर क्वेश्चन में बोला है 20 रुपया प्रीमियम है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना। तो जब नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट किए तो हमें पता चल गया कि 12 लाख रुपया देना और हर शेयर का दाम 120 है, तो टोटल वैल्यू कितना होता है, 10000 रुपया, 10000 शेयर। तो बस इसी का एंट्री कर देना है। तो कृष्णा लिमिटेड को हम 12 लाख रुपया दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे 10000 × 100, और एक्स्ट्रा जो 20 रुपया ले रहे हैं वो कहाँ चल जाएगा, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो 10000 शेयर दे रहे हैं और 20 रुपया प्रीमियम है, तो टोटल प्रीमियम में कितना चल जाएगा, 2 लाख रुपया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम उसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, डीके गोयल बुक से है। आज के वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मधुर लुक लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 3,90,000 एंड लाइबिलिटी 40,000। एसेट्स कितने का है, तो एसेट्स टोटल है 3,90,000 का, एंड लाइबिलिटी कितने का है, तो लाइबिलिटी है 40,000 का। तो टोटल कितना हो गया, 3,50,000 रुपया, 3,50,000 रुपया ऑफ रसोवा लिमिटेड। ये एसेट्स लाइबिलिटी किसका है, तो रसोवा लिमिटेड का, रसोवा लिमिटेड का है। ठीक है, चलिए, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख रुपीज। अच्छा, कंपनी देखिए मधुर लिमिटेड
किसके एसेट्स को खरीद रहा है? रसोबा लिमिटेड को। कितने में परचेस कंसिडरेशन कितना है? पीसी, पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन कितना है? 4 लाख रुपया। कितना है? 4 लाख रुपया। बात समझ में आया? 4 लाख रुपए का परचेस कंसिडरेशन है। अच्छा ये बताओ एसेट्स का दाम कितना है? एसेट्स का दाम है, टोटल वैल्यू देना चाहिए था 3.5 लाख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी कोई ध्यान से समझिएगा। 3.5 लाख रुपए का सामान खरीदे हैं मगर पैसा कितना दे रहे हैं? 4 लाख रुपया। चलो तो मधुर जो है 4 लाख रुपए में खरीद रहा है पूरे बिजनेस को आर लिमिटेड का, और एसेट्स की बात करें तो टोटल कितना है? 3.5 लाख। तो ये बताओ 3.5 लाख का एसेट्स खरीदे हैं और हम बदले में 4 लाख रुपया दे रहे हैं, तो ज्यादा दे रहे हैं ना। पिछले क्वेश्चन में कम पैसा दे रहे थे, 16 लाख का खरीद के 15 लाख रुपया दे रहे थे, तो वहां पे फायदा हो रहा था, इसलिए कैपिटल रिजर्व में चला गया पैसा। मगर यहां पर तुम देखो 3.5 लाख का प्रॉपर्टी खरीदे हैं और पेमेंट कितना कर रहे हैं? तो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 4 लाख रुपया। तो ये ज्यादा दे रहे हैं। ज्यादा क्यों दे रहे हैं बाबू? ज्यादा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रसोबा लिमिटेड का कुछ गुडविल होगा। कुछ क्या होगा? गुडविल होगा, और गुडविल कितने का है? 50,000 रुपए का। बात समझ में आया? यानी कि रसोबा लिमिटेड का एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस अमाउंट 3.5 लाख आ रहा है मगर पेमेंट कर रहे हैं 4 लाख। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? गुडविल के लिए दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? गुडविल के लिए। आई होप कि ये गुडविल वाला फंड आपको क्लियर हो गया। मतलब शॉर्ट में अगर हम बात करें, अगर ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? गुडविल के लिए। और अगर कम पैसा दे रहे हैं तो जो भी फायदा हो रहा है वो कहां चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ठीक है, ये फंडा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 20% वॉज पेड बाई चेक। अच्छा इसमें से 20% चेक से पेमेंट कर रहे हैं। 20% कितना? 80,000 रुपया। 4 लाख का 20% कितना होगा? 80,000। चेक से पेमेंट कर रहे हैं यानी कि बैंक। और एंड द बैलेंस बाय इशूइंग फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। ओ माय गॉड, कितने परसेंट का शेयर दे रहे हैं? कितने परसेंट प्रीमियम? तो बैलेंस बचा कितना? बैलेंस बचा कितना पहले ये बताओ। तो सर बैलेंस बचा 3,20,000 रुपए, और इसके लिए 100 रुपए का शेयर दे रहे हैं 60% प्रीमियम यानी कि 160 रुपए में शेयर दिया जा रहा है। बात समझ में आया? अब आपको एंट्री पास करना है। बताओ बहुत आसान है भाई, चलिए एक बार फटाफट से इसका एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा। सबसे पहला एंट्री होगा बच्चों एसेट्स जो खरीद रहे उसका, एसेट्स अकाउंट डीआर टू टू लाइबिलिटी। एसेट्स कितने का खरीद रहे हैं? एसेट्स खरीद रहे हैं 3,90,000 का। लाइबिलिटी कितने का खरीद रहे हैं? तो लाइबिलिटी खरीद रहे हैं 40,000 का। ठीक है, अच्छा फिर हम इसमें परचेस कंसीडरेशन भी लिखते हैं ना, तो कौन लिमिटेड था? आर लिमिटेड था, तो रसोबा लिमिटेड नहीं लिखते हैं, आर लिमिटेड लिखते हैं। आर लिमिटेड को कितना देने की बात हो रही है? 4 लाख रुपया। तो ये 4 लाख रुपया यहां लिख दिए। तो एक्स्ट्रा देख रहे थे कि जब कैपिटल रिजर्व फायदा था, तो चूंकि फायदा था तो क्रेडिट में लिख रहे हैं, मगर यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो गुडविल के कारण दे रहे हैं, तो गुडविल मेरे लिए एसेट्स होता और एसेट्स है तो कहाँ जाएगा? डेबिट में। यानी कि ये जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो वो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। सिंपली कहने का मतलब एक बार शॉर्ट में बता देते हैं, जब परचेस कंसिडरेशन में कम पैसा दे रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं, जो कंपनी खरीद रही है वो अगर कम पैसा दे रही है तो कंपनी को हो रहा प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, और कैपिटल रिजर्व कहां जाएगा? क्रेडिट में। ठीक है, मगर जब पैसा ज्यादा दे रहे हैं तो वो किस वजह से देते हैं ज्यादा? गुडविल की वजह से। यानी कि 3.5 लाख का एसेट्स खरीद के 4 लाख रुपया दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? गुडविल की वजह से दे रहे हैं। तो गुडविल कहां जाता है? डेबिट साइड में जाता है। बात याद रहेगा? यस सर याद रहेगा। चलिए तो इस तरीके से जब आप मैच करोगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट जो है वो मैच हो जाएगा। देखिए
50,000 प्लस 3,90,000 4,40,000, और इन दोनों को भी जोड़िएगा तो 4,40,000 रुपया। तो पहला एंट्री आपका पास हो गया। सेकेंड एंट्री पेमेंट करने का, आर लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं 80,000 रुपया चेक से। तो आर लिमिटेड अकाउंट डी आर 80,000 टू बैंक, टू बैंक 80,000 रुपया, है ना। अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बाकी का जो 3,20,000 रुपया है उसके बदले 160 रुपए का शेयर दे रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये दो कटा, ये जीरो से जीरो कट गया, तो 2,000 शेयर हो जाएगा। कितना शेयर हो जाएगा, 2,000 शेयर। कहने का मतलब कंपनी कितना शेयर दे रही है, 2,000 शेयर दे रही है। एंट्री क्या होगा, आर लिमिटेड अकाउंट डी आर कितना, तो सर 3,20,000 रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट हो जाएगा 2,000 इंटू 100, 2,00,000 रुपया, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,000 इंटू 60, 1,20,000 रुपया। बात समझ में आया, ये आपका एंट्री हो जाएगा थर्ड, दैट्स इट फाइनल। तो इस आज के इस क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में हम लोग सीखें कि किस तरीके से आखिर परचेस कंसीडरेशन में आप जब कम पैसा दिया जाता है तो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, और जब एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो वो गुडविल कहलाता है, तो कैसे उसका एंट्री पास करते हैं ये सीखें, और जो एसेट्स खरीद रहे हैं और जो लाइबिलिटी खरीद रहे हैं उसका क्या एंट्री होता है, और अगर शेयर दे रहे हैं तो शेयर का कैसे एंट्री करेंगे, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो उसका एंट्री कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।